देश के सर्वोच्च पद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश के सर्वोच्च पद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सोनिया गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय, हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी का, जैसे कांग्रेस के एक सांसद अभिनंदन चौधरी जी ने इतनी जो आपत्तिजनक बयान दिया है, हम वो देश की जनता वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक मातृशक्ति का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है, ये जनजाति का अपमान है। भारत की जनता ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम ये कहते हैं कि अभिनंदन चौधरी जी आपके देश की जनता से माफी मांगो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि टंग स्लिप हो गई है। आए दिन वो ऐसे बयान देते हैं और क्या कहते हैं कि टंग स्लिप हो गई है, ये कौन सी बात हुई? वो सार्वजनिक आके देश की जनता से माफी मांगे जी। तो क्या लगता है कांग्रेस की कोई इच्छा? क्यों, कांग्रेस की यही मेंटालिटी है। उन्होंने कब वो कि प्रधानमंत्री पे तो वो टिप्पणी करते हैं, लेकिन मुझे आप बताइए कि देश का एक राष्ट्रपति वो किसी पार्टी का होता है क्या? होता है क्या? वो एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के होता है, लेकिन उन्होंने उनको क्या है कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 70 साल में पहली बार आदिवासी समाज, जिनको आज ये दबला कुचा कांग्रेस समाज समझती थी, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति उनको समझती थी, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको एक देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया है, कांग्रेस वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। इसलिए वो आए दिन जब से वो बनी है उन पर कुछ ना कुछ टिप्पणी वो किए जा रहे हैं।